हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं यमन और आज का हमारा ट्यूटोरियल है एडवांस वेविंग पर। आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखोगे ट्रेसिंग वेव। ट्रेसिंग वेव क्या होती है, इसे कैसे करते हैं और किसके कितने वेरिएशन है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ट्रेसिंग वेव को सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक आर्म वेव आना चाहिए। यदि आपको बेसिक आर्म वेव नहीं आती तो आप हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कीजिए, हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखिए और सबसे पहले बेसिक आर्म वेव सीखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। और जिन लोगों को बेसिक आर्म वेव आती है उन्हें बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप हर चीज़ को ईजिली समझ पाओ। जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आप भी घर बैठे ही बोन ब्रेकिंग सीखना चाहोगे? यदि हाँ तो आप हमारा बोन ब्रेकिंग 101 का डांस कोर्स परचेस कर सकते हो और आज से ही बोन ब्रेकिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्हें ना तो कोई बोन ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस है और ना ही कोई डांस का नॉलेज। तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको ये इजीली बोन ब्रेकिंग सिखा देगा। तो बोन ब्रेकिंग के कोर्स को परचेस करने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए या आप आई बटन पर क्लिक करके इसे डिटेल में भी जान सकते हो। सबसे पहले गाइस समझते हैं कि ट्रेसिंग वेव क्या होती है। तो ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, यदि आपने बचपन में ड्राइंग करी हो तो आपको याद होगा कि हम डॉटेड लाइन पर ट्रेसिंग करके उसको शेप में क्रिएट कर देते, उसी को ट्रेसिंग बोला जाता है। तो ट्रेसिंग का सिंपल सा मतलब है कि हम पीछा कर रहे हैं डॉटेड लाइन का या फिर किसी भी चीज़ का, इसे सिंपल भाषा में समझने के लिए। तो ट्रेसिंग वेव का मतलब है कि आप यहाँ पर वेव का पीछा करोगे या फिर आप वेव को ट्रेस करोगे। तो इस वेव को ट्रेस करने के लिए आपको दोनों हाथ में से आपका जो एक हाथ होगा वो वेव करेगा और दूसरा हाथ उसको ट्रेस करेगा। मतलब आपको एक इल्यूजन क्रिएट करना है जिससे ऐसा लगे कि आपका जो एक हाथ है वो वेव को ट्रेस कर रहा है, इसी को हम ट्रेसिंग वेव बोलते हैं। तो गाइस आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी आप ट्रेसिंग वेव करोगे तो आपको जो आपका हैंड जो वेव कर रहा है और जो दूसरा हैंड है जो ट्रेस कर रहा है, उन दोनों का जो स्पीड है या दोनों का जो मूवमेंट है वो साथ में होना चाहिए। यदि आगे पीछे होगा तो वो एक इल्यूजन क्रिएट नहीं कर पाएगा। यदि आप पहले वेव कर लोगे ट्रेस बाद में करोगे तो वो अजीब दिखेगा, इसलिए आपको हमेशा दोनों को साथ में करना है। तो जब भी आप अपने जो हैंड को आइसोलेट करोगे तो जो आपका हैंड है जो आइसोलेशन पार्ट वाला है वो पार्ट उसी हैंड पर होना चाहिए जिस हैंड पर आप कर रहे हो। जब जैसे कि मान लीजिए यदि आपका ट्रेसिंग हैंड आपके व्रिस्ट पर है तो जो आपका व्रिस्ट है वही सिर्फ आइसोलेट होगा उस टाइम पर। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इस ट्रेसिंग वेव का। तो चलिए ट्रेसिंग वेव कैसे करते हैं पहले ये सीखते हैं। मैं अपने एक हैंड से वेव करूँगा और दूसरे से ट्रेस करूँगा, इस तरीके से आपको भी करना होगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि वेव पहले और ट्रेस बाद में, आपको यह दोनों साथ में करना होगा तभी इल्यूजन क्रिएट हो पाएगा और इसी को हम ट्रेसिंग वेव बोलते हैं। ट्रेस वेव में आप फिंगर की जगह पाम का यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप टच करके भी कर सकते हो। मैं एक फिंगर का यूज कर रहा हूँ, अब मैं दो फिंगर का यूज कर रहा हूँ। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, इससे ये और भी इंटरेस्टिंग दिखेगी। तो ट्रेसिंग वेव के कुछ वेरिएशंस हैं जो कि आपको सीखना होंगे और इन वेरिएशन को सीखकर आप इसे और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम वेरिएशन सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट वेरिएशन है स्पीड। तो गाइस स्पीड के अंदर क्या होगा, स्पीड के यहाँ पर दो मीनिंग है। यदि आप चाहे तो जो वेविंग है उसको आप फास्ट से स्टार्ट करके स्लो वेविंग कर सकते हो या फिर स्लो वेविंग से स्टार्ट करके फास्ट वेविंग कर सकते हो। अब इसको आपको ध्यान से देखना होगा कि जैसे कि आपने फास्ट करा तो आपका जो ट्रेसिंग वेव का जो दूसरा हैंड है जो उसको कंट्रोल कर रहा है या ट्रेस कर रहा है वो भी उसके साथ में ही जाएगा। इसमें देखिए कि जैसे मैं फास्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो फास्ट है तो जब मेरे दोनों हाथ साथ में जा रहे हैं, फिर स्लो कर रहा हूँ तो दोनों साथ में जा रहे हैं। तो थोड़ी सी पहले आपको फास्ट और स्लो की प्रैक्टिस करनी होगी वेविंग की, उसके बाद इसे ट्राई कीजिए तो आप ये इजीली कर पाओगे। आइसोलेशन, तो गाइज सेकेंड वेरिएशन हमारा आइसोलेशन पर है। तो आइसोलेशन के अंदर क्या होगा, आइसोलेशन के अंदर होता है आपको अपने एक हैंड को वहीं रखना होगा और जो आपका बाकी के बॉडी पार्ट्स है वो आइसोलेट होंगे। तो जैसे ही आप इस हैंड के नीचे से इसे लेके जाएंगे तो वो देखोगे कि वो जो आपका पोर्शन जहाँ पे आपने ये रखा है वही इसको आइसोलेट कर रहा है जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो आपको इस तरीके से करना होगा। हमारा नेक्स्ट वेरिएशन है डाइम स्टॉप। तो डाइम स्टॉप के अंदर आपको इस तरीके से आपकी जो वेविंग है उसे ब्रेक करके करना है और जो आपका हैंड है जो ट्रेस कर रहा है उसे भी आपको दिखाना है कि वो ब्रेक करते करते आप कर रहे हो, इसे ही डाइम स्टॉप बोलते हैं। तो गाइस जब भी आप कुछ नया मूव सीखोगे उसके अंदर थोड़े से एंगल्स को चेंज कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप मैं फ्रंट में कर रहा हूँ तो आप अप में कीजिए या डाउन में कीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से जो देख रहा है व्यूवर उसको वही का वही सेम बोरिंग वाला मूव नहीं दिखेगा, इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा या फिर आप बोल सकते हो कि ये विजुअली अपीलिंग दिखेगा। जब हम एंगल चेंज करते हैं तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है ऑडियंस का वो भी चेंज हो जाता है।
तो उनको भी देखने में अच्छा लगेगा। तो आप हमेशा जब भी सीखोगे तो सीखते टाइम सिर्फ आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, और जब आप परफॉर्म करोगे उस टाइम में आपको एंगल्स को चेंज करके इसे करना होगा। तो आज का वीडियो गाइस यहीं तक था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा डांस मोटिवेशन पार्ट 3 पर। तब तक के लिए गुड बाय, एंड टिल देन कीप डांसिंग।